हेलो, आप आकृति के पिताजी बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? जी हम अनुभव के बड़े पापा बोल रहे हैं। चारुदत्त जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आकृति के पापा को फोन कर भी दिया? तू जानते ना अपने बड़े भैया को, कह दिया कि अनु का शादी उसी तारीख को करेंगे तो बस। भैया शुभ से शीघ्रम वाले मोड में है। अरे आप हमें पहचानते हैं? जी बिल्कुल, अच्छी तरह से जानता हूँ। एक्चुअली आकृति अक्सर आप लोगों के बारे में बात करती रहती है, वो अनुभव की असिस्टेंट है ना? जी जी, हमने आपका नंबर आकृति बिटिया से ही लिया। दरअसल कल रात को वो हमारे यहाँ पर रुकी थी, बहुत प्यारी बच्ची है और आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। चारुदत्त जी, मैंने तो सिर्फ एक पिता होने का फर्ज निभाया। दरअसल आकृति को कभी माँ का प्यार नहीं मिला, और आप तो जानते हैं बिना माँ के बच्चे अक्सर उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। सब नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें ढाल बनाकर अपनी कमियां इनके पीछे छिपाते हैं। लेकिन आपकी आकृति बिटिया बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत प्यारी बच्ची है, इसीलिए हम आपको फोन कर रहे हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल हम और हमारा परिवार आकृति को बहुत पसंद करता है, तो हम चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारी बेटी बनके हमारे घर आ जाए। आपका मतलब उसे बहू बना के? जी, हम अनुभव के लिए आपकी आकृति का हाथ मांग रहे हैं। चारुदत्त जी सच? जी जी, देखिए ना, दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, एक ही जगह नौकरी करते हैं और एक ही जैसा काम करते हैं, तो हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही रहेंगे। चारुदत्त जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी आकृति अनुभव को पसंद करती है और इस बारे में मैं आपसे बात भी करने वाला था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अनुभव की शादी कहीं और तय हो गई है। जी हाँ, तय हुई थी लेकिन टूट चुकी है, इसीलिए हम अनुभव के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो आकृति बेटिया बहुत प्यारी लगी, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको फोन किया। अब अगर आकृति को अनुभव पसंद है और आपकी हाँ है तो चारुदत्त जी आकृति इस रिश्ते के लिए कभी मना कर ही नहीं सकती, और मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैंने जरूर ही पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे आकृति जैसी बेटी मिली, और अपनी बेटी के लिए आप लोगों जैसा ससुराल। अजी पुण्य तो हमने भी किए होंगे जो आकृति हमारी बहू बन के आ रही है। अच्छा शंकर जी, आपसे एक बात पूछनी थी। जी जरूर पूछे ना। हमने शादी की तारीख पहले से ही तय कर दी है और चाहते हैं कि शादी उसी दिन हो, बस यूं समझ लीजिए कुछ दिनों बाद। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? पर चारुदत्त जी इतनी जल्दी? बस यूं समझे कि हमारी मजबूरी है। ऐसा है तो जैसा आप ठीक समझे वैसा ही होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, चलिए जल्दी मुलाकात होती है। आकृति के पिताजी ने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी इज्जत रह गई। राम जी के मंदिर जाएंगे और प्रसाद चढ़ा कर आएंगे। वो कहते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस दिन तमाशा नहीं हुआ होता तो हमें आकृति जैसी बहू नहीं मिलती। हमारे तो भाग ही खुल गए। वैसे तुम्हारी चोट कैसी है अब? थोड़ा पेन है लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, क्यों? नहीं, मुझे लगा था आज आप देर तक काम करने वाले। हाँ करने वाला था लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया है तो जा रहा हूँ। पता है मुझे वो जरूरी काम क्या है, और ये भी जानती हूँ वो काम रात को 8 बजे है। आपकी ब्रेकअप पार्टी में बस आधा घंटा बचा है,
अगर जाना ही था तो मना क्यों किया था? मना किया था क्योंकि मुझे इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ डिसाइड किया है। और क्या डिसाइड किया है? मैं गुनगुन नाम के चैप्टर को मेरी लाइफ से फाड़ के फेंक देना चाहता हूँ, फॉर एवर। और ये काम तो आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। बाय द वे, अब वहाँ करने क्या वाले हैं? कुछ ऐसा जिसके बाद पापा की परी कभी भी मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करेगी। पार्टी कहाँ है? हाय। यस मैम। केक रेडी है? यस मैम, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही डिजाइन तैयार किया गया है। परफेक्ट। और फूड? फूड ऑलमोस्ट रेडी है, बस आपने कस्टमाइज्ड फूड ऑर्डर किया था तो थोड़ा सा वेट लगेगा। नो प्रॉब्लम, वैसे भी चीफ गेस्ट अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया, हमेशा की तरह लेट लेट लीव करेगा। मैम आपका बर्थडे है या आपके फ्रेंड का, तो केक लाएंगे तो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चलाना है। ये बर्थडे पार्टी नहीं है, ये ब्रेकअप पार्टी है। ये ब्रेकअप पार्टी है तो सॉन्ग्स भी ब्रेकअप से रिलेटेड ही बजने चाहिए। अंडरस्टूड? ओके मैम। ड्राइव सेफ। मैंने खाना खा लिया पापा, कितनी बार कहा है आपसे, मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। अब सच में मुझे तेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अब ये ड्यूटी किसी और को सौंप रहा हूँ। मतलब? चारुदत्त जी का फोन आया था। Really? कब? अब क्या कहा उन्होंने? ओह, तो इसका मतलब तुझे पता था कि वो मुझे फोन करने वाले हैं। हाँ, उन्होंने आपका नंबर लिया था तो ऑब्वियसली आपसे बात करने के लिए ही फोन नंबर लिया था ना। बेटा, उन्होंने अनुभव के लिए तेरा हाथ मांगा है। लेकिन लेकिन मैंने मना कर दिया। व्हाट? क्यों? अरे मुझे लगा तू इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं होगी। आपको किसने कहा? मना करने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था ना पापा। अरे पर उस दिन तो तू बोल रही थी ना कि तुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने शादी करने से मना किया था पापा, लेकिन अनुभव के साथ शादी करने से नहीं, क्योंकि मैं उसे प्यार मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था, बस तेरे मुंह से सुनना चाहता था। हाँ कर दिया मैंने। खुश? लेकिन बेटा चारुदत्त जी ने शादी की तारीख फाइनल कर दी है और उन्होंने बोला है कि शादी उसी तारीख में होनी चाहिए। अब बेटा शादी तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तैयारियां इशू नहीं है पापा, मेन इशू माँ का होगा। माँ का मतलब? अनुभव के फैमिली वाले रीति रिवाजों को और फैमिली वैल्यूज को बहुत मानते हैं, इसीलिए माँ का शादी में होना बहुत जरूरी है पापा। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि शादी में हमें करीमा को भी बुलाना होगा? शादी में ही नहीं पापा, माँ को वापस लाना होगा ताकि वो हर एक छोटी बड़ी रस्म में और फंक्शन में प्रेजेंट रह पाए, वरना उन लोगों के रिश्तेदार उन्हें तरह तरह के सवाल करेंगे जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मुझे करीमा के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा मैं उससे बात नहीं करूंगा, करीमा से तुझे ही बात करनी होगी। डोंट वरी पापा, माँ को मैं मना लूंगी, और वैसे भी मेरे शादी के बाद आपका ख्याल रखने के लिए कोई होना चाहिए ना। ठीक है बेटा। कभी कभी इत्तेफाक से स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.